हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ अफिया और आप देख रहे हो अफियाज आर्ट अटैक। तो गाइस, क्या आप सोच रहे हो कि मैं आज ये टेडी बेयर लेके क्यों बैठी हूँ साथ में? तो आज मैं टेडी बेयर इसलिए लेके बैठी हूँ क्योंकि आज हम कुछ इसके रिलेटेड ही बनाने वाले हैं। तो गाइस चलो शुरू करते हैं। नहीं गाइस, हमारे टेडी बेयर के लिए चेहरेंगे हम ऐसे पीसेस। तो ये पीसेस कैसे बनाने हैं पहले वो देख लेते हैं। तो ये सब पीसेस को हम साइड में रख डालेंगे और एक पेपर ले लेंगे। ये पेपर 5.4 और 3.6 सेंटीमीटर्स का है। तो सबसे पहले हम इसको हाफ में फोल्ड करेंगे ऐसे, फिर हम इसे और एक फोल्ड करेंगे ऐसे, फिर हम ये साइड से, ये एज से ये वाले पॉइंट तक लेके जाएंगे ऐसे। सेम हम दूसरी साइड करेंगे ऐसे, फिर इसको ओपन कर डालेंगे। तो एक साइड ऐसी रहेंगी और एक साइड ऐसी। तो ये वाले साइड से हम ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको ऐसे हम फोल्ड करेंगे ऐसे। सेम दूसरी साइड से करेंगे ऐसे, और फिर इसको ऐसे फोल्ड कर डालेंगे दोनों साइड से। और फिर हम इसे ऐसे फोल्ड कर डालेंगे। हमारा पीस बन गया है, बट ये वाला पीस और ये वाले पीस में बहुत डिफरेंस है। तो हम ये वाले पीस को ये वाले पीस जैसा कैसे बनाएंगे? तो हम ऐसी पीसेस के रो ले लेंगे। हम पीसेस को जॉइंट करेंगे, सब ये जैसे पीसेस जॉइंट किए हैं, ये वाला पीस को हम ऐसे जॉइंट करेंगे ऐसे। और फिर हमारे फिंगर्स से हम इसे ऐसे शेप दे देंगे कुछ इस तरह। हमारा पीस बन गया। मेरे पास इतने पीसेस तो है। और हमारे टेडी बेयर के लिए हमें 806 येलो पीसेस चाहिएंगे, 836, और वाइट हमें 66 पीसेस चाहिएंगे, वाइट पीसेस। तो मैं अपने पीसेस बना के मिलती हूँ, तब तक बाय बाय। 2000 years later. तो हमारे वाइट के 66 पीसेस और येलो के 836 पीसेस बन चुके हैं। 836 पीसेस नंबर बहुत बड़ा लग रहा है, पर इसको बनने में टाइम नहीं लगता है। सबसे पहले हम थोड़े येलो पीसेस ले लेंगे और हम हमारी पहली रो के लिए हम पीसेस को जॉइंट करेंगे कुछ इस तरह। पहले दो पीस ले लेंगे और फिर उसके अंदर और एक पीस जॉइंट करेंगे ऐसे। ऐसे हम बहुत सारे पीस को कनेक्ट कर लेंगे। ऐसे फर्स्ट रो में और सेकंड रो में 16 पीसेस हम डालेंगे। तो गाइस, अब हमारी रो रेडी है। फर्स्ट रो में 16 पीसेस और सेकंड रो में 15 पीसेस। पर जब हम इसे ऐसे सर्कल में जॉइंट कर देंगे तभी इसमें भी सेकंड रो में भी 16 पीसेस हो जाएंगे। और हाँ गाइस, और एक बात, आप ये सब पीसेस को फेविकॉल से चिपकाते जाना ताकि ये सब पीसेस निकल ना जाए। चलो अब हमारी सेकेंड रो को कंप्लीट कर डालते हैं। ये दोनों पॉइंट्स जो एज पे थे उन दोनों पॉइंट्स को ऐसे जॉइंट कर लेंगे और उन दोनों में एक पीस को कनेक्ट कर डालेंगे। ये हमारी सेकेंड रो भी कंप्लीट हो गई है, ये कुछ इस तरह का दिख रहा है। तो हमारी थर्ड रो को चालू करते हैं। तो थर्ड रो में हमें तीन वाइट पीसेस चाहिएंगे। तीन वाइट पीसेस को बाजू बाजू में कनेक्ट करना है इस तरह। और फिर
येलो पीसेस को लेना है और एक येलो पीस को यहाँ पे बीच में डालना है और फिर एक वाइट पीस यहाँ डालना है और एक वाइट पीस यहाँ, येलो पीस यहाँ पे, और फिर यहाँ पे भी सेम यहाँ पे एक येलो पीस डालना है, फिर वाइट येलो पीस कंटिन्यू करना है, और फिर यहाँ पे कंटिन्यू करते जाना येलो पीसेस से। इस तरह तो अब यहाँ पे फिर से एक हम पीस डालेंगे बीच में और फिर इस येलो पीस से फिर से कंटिन्यू करेंगे। फिर से हम बीच में एक पीस डालेंगे, फिर येलो से कंटिन्यू करेंगे। तो कुछ इस तरह का बन गया है स्क्वायर टाइप। इसको हम थोड़ा ऐसा शेप दे देंगे। अच्छा तो अब हम इसको कंटिन्यू करेंगे। ये हमारी थर्ड रो भी बन चुकी है। अब हमारी बॉडी भी रेडी हो चुकी है, आधी आधी बॉडी रेडी हो चुकी है। तो अब हमारी 8 रोज हुई है, सब रोज में 20 20 20 है और अब हम इसे कंटिन्यू करेंगे। तो अब हम 7 पीसेस डालेंगे वाइट के, हमारी 8 वाली रो कंप्लीट हो गई है। तो अभी हम फिर से 7 वाली रो डालेंगे, 7 पीसेस वाइट के, और फिर उसके बाद 6 पीसेस, फिर हमारी बॉडी रेडी हो गई। तो गाइस अब हमारी ये टेडी बेयर की बॉडी कंप्लीट हो गई है। तो अब हम चलते हैं उसकी मुंडी पे, तो मुंडी बनाना सीखते हैं चलो। तो हमारी मुंडी को हम येलो पीसेस से बनाएंगे। तो मुंडी के लिए हम पहले रो में 6 पीसेस लगाएंगे। हमारी बॉडी में हमने 16 लगाए थे, इसमें हम 6 लगाएंगे। हमारी 4th रो कंप्लीट हो गई है। तो अब हमारी 5th रो के लिए हमें फिर से बीच बीच में पीसेस डालने हैं।
तो अब हमारी फिफ्थ रो भी कंप्लीट हो गई है, 24 पीसेस है फिफ्थ रो में। तो अब हम वैसे ही 19th रो तक कंटिन्यू करेंगे। हमारी मुंडी रेडी है, अब हम इसके हाथ पैर बनाएंगे। तो पहले पैर से चालू करते हैं, तो मुंडी को साइड में रख डालते हैं और थोड़े येलो पीसेस ले लेंगे। तो हम इसको ज्वाइंट करते जाएंगे ऐसे। पैर के लिए फर्स्ट 5 रोज में हम लोग 8 पीसेस डालेंगे। 1 2 3 4 5 6। फाइव रोज तो बन गई, अब सिक्स थ्रो में क्या करना है। तो सिक्स थ्रो में हम 4 पीसेस लगाएंगे। सिक्स थ्रो में 4 पीसेस और सेवन थ्रो में अब 5 पीसेस लगेंगे हम। सेवेंथ रो में 5 पीसेस लग गए, अब एट रो में हम फिर से 4 पीसेस लगाएंगे। सेवेंथ रो में 4 पीसेस लग गए, अभी नाइन्थ रो में हम 3 पीसेस लगाएंगे। हाथ हमारा रेडी है, थर्ड रो कंप्लीट हो गई है। तब फोर्थ रो में क्या करना है वो देख लेते हैं। फोर्थ रो में सेम जैसा हम लोग ने लेग के सिक्स्थ रो में किया था वैसा सेम स्टेप करेंगे। 4 पीसेस डालेंगे। फोर पीसेस डाल दिए, अब फिफ्थ रो में हम 5 पीसेस डालेंगे। सिक्स्थ रो में हम 4 पीसेस डालेंगे वापस। और सेवेंथ रो में 3 पीसेस डालेंगे। हमारा आर्म भी रेडी हो गया है। हमारे टेडी बेयर के ईयर्स बनाने वाले हैं, तो ईयर्स के लिए चाहिए होंगे हमें ऐसे स्ट्रिप्स। आप पेपर को कट करके भी ऐसे स्ट्रिप्स बना सकते हो, या फिर आप क्विलिंग भी यूज़ कर सकते हो येलो कलर का। तो अभी इसको हम स्टार्ट करते हैं, इसको रोल करेंगे ऐसा। ऐसे इसको रोल रोल करते जाना है।
हमारा ई एस भी बन चुका है। अब क्या बाकी है? कुछ तो मिसिंग है ना, क्या बाकी है? हाँ, हैट बाकी है। तो चलो गाइस, हैट बनाते हैं। तो हैट के लिए हमें चाहिए होंगे फिर से ऐसे पेपर्स। ये मैंने ब्लैक पेपर से कट की हूँ। इसको सेम वैसे फोल्ड करते जाना है ईएस की जैसा, पर इसके इसका जो पेपर है वो बड़ा है थोड़े साइज में। हमारी हैट भी बन गई। हाँ, मुझे पता है आप क्या सोच रहे हो। आप सोच रहे हो ना कि हैट जैसा तो कुछ लग नहीं रहा है इसमें। तो अभी इसमें और करना बाकी है कुछ। हम फिर से ऐसी पतली ब्लैक स्ट्रिप्स ले लेंगे और फिर इसके बेस पे ऐसा फिर से इसको कवर करेंगे, सिर्फ बेस पे। इधर पहले हम इसे फेविकॉल से चिपका देंगे। फिर हम इसे ब्लैक स्ट्रिप से कंटिन्यू करेंगे। चलो हैट तो बन गई। अब ये कुछ लग रही है ना हैट। जिंदगी सवार दो, एक नई बहार दो, दुनिया ही बदल दो, मैं तो प्यारा सा चमत्कार हूँ। मैं किसी का सपना हूँ जो आज बन चुका हूँ सच, अब ये मेरा सपना है कि सबके सब। तो गाइस कैसी लगी वीडियो? अच्छी लगी तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कर दो, और अगर नहीं अच्छी लगी तो भी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आती रहे। और हाँ गाइस, कमेंट करके बताओ कि आपको कौन सा वाला अच्छा लगा, ओरिजिनल वाला या ओरिगैमी वाला। बाय गाइस।